चाहूँगी अपने भोजपुरी दर्शकों को, और आज मैं और आकाश जी यहाँ पे जाने सरफरोश 786 के मूर्त पे आए हैं, जिसके हीरो और हीरोइन हम दोनों ही है, आकाश जी और इनुश्री जी। और ये फिल्म की स्टोरी आप जैसा देख रहे हैं कि सरफरोशी के ऊपर ही होगा, जब टाइटल ही इतना अच्छा है जाने सरफरोश तो। और बहुत ही एक्शन है, एक्शन बहुत अच्छा है, डांस है, मस्ती है। और फिल्म की स्टोरी के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगी अभी, मैं बताऊँगी जब शेड्यूल लगेगा और जब आप लोग वापस से आएंगे मिलने के लिए। बिल्कुल, ऑन सेट बताएंगे क्या है स्टोरी, ऑन सेट। बिल्कुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जाने सरफरोश 786 एक मनोरंजक से भरी हुई फिल्म है। 786 ये लकी नंबर है, तो हमारे ऊपर वो लक आ जाए। जान यानी कि लव, जिससे आप प्यार करते हैं, सरफरोश जो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, तो प्यार है, रोमांस है, एक्शन होगा, जाहिर सी बात है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखिए देखना है जोर कितना बाजुए कातिल कातिल में जी। और इसके राइटर और निर्देशक एक ही हैं, श्री यादव जैन जी, उनके नेतृत्व में ये फिल्म बन रही है। और उनके साथ मेरी पहली मूवी है, आकाश जी के साथ मेरी पहली मूवी है जी। तो हम लोग एक नया टीम के साथ, एक नए मूवी के साथ कोशिश कर रहे हैं, प्यार बढ़ाते हुए और मस्ती करते हैं। एक प्रयास है कि ऑडियंस को भी उतना ही मजा आए जितना फिलहाल हमें आ रहा है। जोड़ी पसंद आए जी। और फिल्म सुपर सुपर हिट हो, अच्छा हो। और आदा जी बहुत सारी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं और उनकी सारी फिल्में हिट गई हैं, तो मतलब कोशिश, होप हम भी उम्मीद कर रहे हैं वो हमें भी एक हिट दें। ये भी एक अच्छी फिल्म होगी और बहुत ही सुपर हिट जाएगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं सारी पूरी टीम को कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगी। और आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट नाम है ये जान, ये सरफरोश 786 थोड़ा अलग सा है, हटके है, पहली बार ऐसा नाम मैंने देखा है, सुना है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा हटके है। और इसकी स्टोरी है, आई थिंक सो गुंडे फिल्म जो आई है हिंदी, आई थिंक सो मेरा किरदार एक नटखटी लड़की है जो ज़रूरत पड़े तो पिस्तौल भी उठा सकती है और मार भी सकती है किसी को, मतलब धाकड़ भी है और एक चंचल सी लड़की है और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही डिफरेंट है। आपके हीरो कौन है? ये बताना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इसमें दो हीरो दो हीरोइन हैं, और एक आकाश जी हैं जो कुणाल सर के बेटे हैं, और एक हमारे को स्टार हैं इनुश्री, आकाश जी हैं, मैं हूँ, और जो मेरे अपोजिट हीरो हैं वो आई थिंक सो अभी तक बाकी हैं, ढूंढना उनको, तो मेरा नसीब कि मेरे नसीब में कौन आता है। एक्चुअली इस फिल्म के डायरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत शांत दिमाग के हैं, मुझे काफ़ी मिलके उनसे अच्छा लगा, आदर्श जैन जी। और प्रोड्यूसर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मेरे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आदर्श जैन जी हैं, जो कि बहुत ही सुलझे और शांत इंसान हैं, और मुझे इनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगेगा। हम तीनों दोस्त मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं, अनवर जी, प्रदीप जी और मैं, और हम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। फिल्म का टाइटल तो आपने देखा ही, जाने सरफरोश 786, तो इसमें एंटरटेनमेंट भी है और कुछ ऑडियंस के लिए नया भी है जो देशभक्ति से उत्प्रोत होगा। और भोजपुरी में अच्छी फिल्में बननी चाहिए और हम सब तीनों का यही प्रयास है कि हम लोग अच्छी फिल्में ही दें साथ साथ। आदर्श जी मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से है, हिंदी में से, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी पिक्चर बनाएंगे और मेरे शुभकामनाएँ उनके लिए, बस। देखा, बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये फिल्म जाने सरफरोश 786 इसका मुहूर्त है, इसका शुभ मुहूर्त है। इसके निर्देशक श्री आदर्श जैन जी, जिन्होंने पहले बतासा चाचा, पवन पुरवैया जैसी काफ़ी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, वो इसके इस फिल्म के निर्देशक हैं। आज गाने की रिकॉर्डिंग के साथ इस फिल्म का मुहूर्त मुंबई में किया जा रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में एक बार फिर मैं दर्शक आप लोगों के सामने आऊँगा। अगले महीने मेरी फिल्म एक रजाई तीन लुगाई भी रिलीज़ हो रही है,
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, जिसका कि मैं तहे दिल से, जिसके कारण मैं आप लोगों का आभारी हूँ।